मैं सर हमान, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़, आपका स्वागत है। अभी हम जो दरभंगा शहर के बागमती नदी शहर होते हुए निकलती है, हम वहाँ पे हैं। देखिए अब किस तरह पानी पूरे शहर में भरा हुआ है, पूरे नदी पूरा उफान पे। नाम आपका जी? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुआ जी। ये शेर मोहम्मद भीगो वार्ड नंबर 30 मोहल्ला है, वार्ड नंबर 30 है। और आप देख ही रहे हैं कि अभी बागमती नदी का पानी जो शेर मोहम्मद भीगो के बगल से सटा हुआ है, उसमें अभी कल देखा तो थोड़ा बहुत कम था, मगर अभी फ़िलहाल 5-6 फीट ज़्यादा पानी बढ़ गया आज। और इसी को नज़रअंदाज देखते हुए अभी तक सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं ले रहा है, कोई देख रेख करने के लिए आया नहीं है। अभी तक के वार्ड पार्षद जो है रिंकू जी वार्ड नंबर 30 के, वो भी अभी तक आए नहीं हैं। और वही उसी के जरिए अभी वार्ड नंबर 30 का जो मोहल्ला है, निजी मोहल्ला बगल में भी, वो उसी में पानी पूरा घर सब में घुस गया है। और ये जो नदी के किनारे आपका घर है, क्या डर सा मालूम होता है कभी? क्योंकि पानी नदी पूरा लबालब भरा हुआ है और बागमती नदी है, इसमें पानी भी रफ्तार भी काफ़ी तेज़ है इनके, तो क्या लगता है आपको? अभी तो फ़िलहाल कल पानी आ गया तो रात में मगरिब के बाद, तो अभी लोग जितने भी लोग हैं मोहल्ले के वो परेशान हैं और सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी पे कुछ किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। क्योंकि अभी बागमती नदी भी पूरी तरीके से आप देख ही चुके हैं, पूरा तरीके से उफान पे है। इसी को नज़रअंदाज रखते हुए वार्ड पार्षद कुछ करना चाहिए। और ये जो पूरा मोहल्ला के जो लोगों के घर में पानी घुस गया है, वो लोग आखिर फिर कहाँ गए यहाँ पर से? अभी कुछ लोग व्यवस्था किए हैं, जैसे उनका नीचा मकान है तो जैसे उसके पड़ोसी हैं जिसको छत वाला मकान है उसके यहाँ गए हैं, वहाँ रह रहे हैं। देखिए धीरे धीरे क्या होता है। आपके यहाँ के विधायक कौन है? विधायक तो ये संजय सरापगी जी हैं। उनकी तरफ से कोई अभी तक आया है देखने के लिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। कोई रिलीफ वगैरह सरकारी मदद? कोई नहीं अभी तक, कोई नहीं आया। रिंकू जी भी वार्ड पार्षद है, वो भी अभी तक नहीं आए देखने के लिए। अच्छा, तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से यहाँ जो लोगों के घर घर में पानी घुसा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरी बोलिए हमारा घर का यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं। गली में लगभग जो है 48 घंटा से जो है ये हम लोग परेशान हैं, ये पानी लगा हुआ गली गली। यहाँ पे जो गरीब लगभग 50 घर है, उसके घर के आंगन में भी पानी है। यहाँ पर खाने को दाना दाना फिर रहा है, कोई सहूलत सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट है कि इनका सहूलत जल्द से जल्द ढूंढा जाए। इनका सहूलत ये है कि नाला भी जो है कच्चे पक्का ही है, ये इनका रोड ऊँचा किया जाए और जो है इनका समाधान कैसे निकले उनका जो है जल्द से जल्द मतलब। विधायक जी के भी आते हैं कि नहीं गली में? विधायक जी तो अभी तक हम नहीं देखे हैं, उनका फोटो खाली वोट पर इलेक्शन के मौका से देखते हैं। वार्ड पार्षद जी जो है कभी कभी आ जाते हैं देखने के लिए। अभी उनको हर मालूम चला होगा तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो घुस गया है। हाँ, घर में घुस गया। आप तो देख रहे हैं कि घर में घुसा हुआ है, वो पाँव भी टूट गया है मेरी भाभी का। अच्छा, गिर गई है जो। उसके बाद कोई देख रेख नहीं है। पिछले बार ही पानी घर में घुस गया था मेरे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना DM आया देखे, ना पार्षद कुछ देख के जो है किया, ना आज भी कोई देख रहा है, समझे जी। जी आपसे गुजारिश है कि कुछ करवाइए, सिर्फ जो है रिपोर्टिंग नहीं कीजिए, कुछ करवाइए। और नहीं तो मत आइए रिपोर्टिंग करने के लिए इस बस्ती में कोई भी आदमी, हाल पे छोड़ दीजिए बस्ती के आदमी, समझे। चलिए, तो आपके विधायक जी वगैरह भी नहीं आते? कोई नहीं विधायक, सिर्फ वोट लेने के लिए आता है। विधायक हो या कोई भी हो, सिर्फ वोट लेने के लिए आता है, हाथ जोड़ने के लिए कि हमको वोट दीजिए, हमको जीता है। जीतने के बाद कोई उलट के नहीं देखता है, कोई उलट के नहीं देखता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। पिछले बार ही पानी घर में घुस गया, अभी देखने के बाद नुकसान हो गया। लेकिन उनके घर में पूरी तरह पानी समा गया है बागमती नदी का, मोटर सब जल गया हम लोग का। इन लोगों का ये आरोप है, हर साल इसी तरह इनके घर में पानी आता है, न विधायक जी कभी देखने आते हैं, न दरभंगा के प्रशासन हो या वार्ड के जो वार्ड पार्षद साहब है। और इनका आरोप है इनके पैर गिरने की वजह से इनके भाभी का पैर भी टूट गया है, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। अब वाकई इन लोग को काफ़ी परेशानी होती है। देखिए लोगों के घर तक में पानी चला गया है, अब यहाँ निकले तो कैसे निकले? देखिए किस तरह पानी जो है नदी उफान पे है, बागमती नदी का ये पानी है।
पूरी तरह लोगों के घर में घुस गया है, घर तक में पानी है। ये फाटक था फिलहाल जिसको बंद कर दिया गया है नदी में ज़्यादा पानी होने की वजह से। अब बताइए कुछ, आपके इधर जो पानी इतना तेज़ है। जी, टुडे न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे शेर मोहम्मद भीगो में आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, बागमती नदी का बहुत सारा पानी हमारे मोहल्ला शेर मोहम्मद भीगो में घुस गया है। ये फाटक था जिसके कारण पानी थोड़ा आता था, अभी फाटक फिलहाल बंद किया गया है कि पानी मोहल्ला में नहीं आए। बहुत ही बुरी स्थिति है शेर मोहम्मद भीगो का, बहुत ही ज़्यादा पानी है। देखिए घर में, सबके घर में देखिए किस तरह लोगों के घर में भी पानी घुसा हुआ है। देखिए कितना पानी तेज़ है, लोगों के घर मसार वगैरह सब डूबा हुआ है पानी से। पूरा इस तरह से पूरा ये रास्ता का ही यही हाल है, अब काफ़ी पानी इधर पूरा भरा हुआ है। विधायक जी की तरफ से कि ना मुखिया ना वार्ड पार्षद कोई देखने भी नहीं आया। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग यही करते हैं जो हम लोग के जो प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं इसको कोई ना कोई व्यवस्था दे। देखिए इस कदर लोगों के घर तक में पानी है, यहाँ देखिए कोई विधायक जी वगैरह आए नहीं? नहीं आए हैं, कोई देखने नहीं भी ना आए हैं। अच्छा, बच्चा सा लेकर सब पानी लेकर परेशान हो रहे हैं। देखिए इनके घर में पूरी तरह पानी चला गया है, सामने लोग को निकलने में भी दिक्कत होती है। पानी भरा हुआ है, जाके देख लीजिए पूरा रूम। सरकार वार्ड पार्षद वगैरह आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आए हैं अभी तक, देखने के लिए। देखिए इनके घर में चारों बगल पूरी तरह पानी ब्लॉक है रास्ता, बच्चे मस्ती भी कर रहे हैं लेकिन इसी पानी में।